हेलो फ्रेंड्स, आप सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास टेन। आज हम देखेंगे बूलियन डिफरेंस मेथड। बूलियन डिफरेंस मेथड से हम क्या निकालेंगे कि जो हमारे पास सर्किट है, अगर सर्किट में कहीं हमें पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे W है, तो यहाँ पे अगर स्टकेट जीरो का फॉल्ट होगा तब क्या हमारे टेस्ट पैटर्न बनेंगे, या फिर स्टकेट वन का फॉल्ट होगा तब क्या टेस्ट पैटर्न बनेंगे। मतलब कि हम बूलियन डिफरेंस मेथड से क्या पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किट में कहीं पे भी पिन पे फॉल्ट है, तो वहां पे अगर कोई जीरो फॉल्ट होगा तो क्या टेस्ट पैटर्न होगा, और वन फॉल्ट होगा फिर क्या टेस्ट पैटर्न होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बूलियन डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल रखे हमने, ये एक सर्किट है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये डब्ल्यू एक पॉइंट है जहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जीरो भी फॉल्ट हो सकता है और वन भी फॉल्ट हो सकता है, तो उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये सर्किट गिवन है हमारा, इसका हम फॉल्ट फ्री निकालेंगे। जो हमारा फॉल्ट फ्री होता है उसको हमने निकाला, यहाँ पे लिख दिया हमने ये क्या है, वाई है हमारा, तो वाई हमने इज इक्वल्स टू लिखा, क्या आएगा वाई हमारा ए बी, यहाँ पे ए बी आ जाएगा ए इन टू बी। ठीक है, और ये सी है हमारा, तो ए इन टू बी इन टू में सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, और यहाँ से जरा डी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया ए बी सी और डी। अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे ए बी सी और डी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो ये हमारा ए बी सी है, ये ए बी सी क्या एक्चुअली हमारे, सॉरी जो ए बी है हमारा, ए बी क्या है हमारा डब्ल्यू है ना। हम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए इंटू में बी, तो ये हमारा डब्ल्यू है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू सी और डी, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई वाई की वैल्यू। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम क्या करेंगे बूलियन डिफरेंस मेथड है, हम क्या करेंगे डी वाई बाय टी डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू पे है हमारा फॉल्ट, कुछ भी हो सकता है जीरो या वन, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वाई है हमारा, इसको वाई के अंदर जो डब्ल्यू जो आउटपुट है हमारा, उसको एक बार हम जीरो पुट करेंगे और उसके एग्जोर करेंगे कि जो वाई आउटपुट है हमारा उसके डब्ल्यू को वन कर। ठीक है, जो वाई आउटपुट है हमारा उसमें डब्ल्यू को जीरो रख के एक्सोर, वाई आउटपुट है डब्ल्यू को वन रख के। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या होगा, देखो जब हम ये वाला लिखेंगे डब्ल्यू को जैसे हमने जीरो किया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा ना। यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो इंटू सी जीरो प्लस डी, तो डी बच गया सिर्फ। यहाँ पे लिख दिया डी एक्सोर क्या है डब्ल्यू जब वन होगा, यहाँ पे जब वन होगा तो क्या हो जाएगा सी प्लस डी, तो हो जाएगा सी प्लस डी। ठीक है, एक्सोर है, अब हम एक्सोर करेंगे इन दोनों का, तो क्या होगा डी, ठीक है, अंडर ब्रैकेट सी प्लस डी का बार प्लस सी प्लस डी अंडर ब्रैकेट डी का बार। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा आपका डी, इसमें देखो ये क्या हो जाएगा सी का बार डॉट डी का बार, है ना, ये बार इस पे आ गया, एक बार इस पे आ गया और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये क्या बन जाएगा सी, मल्टीप्लाई करेंगे सी डी बार प्लस डी डी बार, है ना। अब फर्दर इसमें ये ऐसे होगा तो ये बन जाएगा डी सी बार डॉट, इसको हटाया ये भी डॉट में है और ये डी बार। अब हम देख सकते हैं इसमें क्या प्लस डी डी बार डी बार। अब देखो इसमें एक तो टर्म ये जीरो हो गया डी डी बार वाला, और एक टर्म ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि डी 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 बार हमने, हमको पता है, हमने जो मेथड पढ़ा है ए बार डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे ही है वहां पे डी डॉट डी बार इज इक्वल टू जीरो, तो ये
यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास जो डी वाई वाई डी डब्ल्यू है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ये सी डी वाई, सी डी वाई। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इस सर्किट के अंदर, जब इस सर्किट के अंदर सर्किट वन फॉल्ट है तब की इक्वेशन बनेगी, जब सर्किट जीरो फॉल्ट है तब की इक्वेशन बनेगी। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये फॉर्म ये आ गया रिजल्ट, अब हम वो मेथड यूज करेंगे। ये आ गया वापस, जब भी हमारे सर्किट में स्टक एट वन फॉल्ट होगा, स्टक एट वन फॉल्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा फॉल्ट है उसके ऊपर बार डॉट, जो हमारा रिजल्ट आया है डी वाई वाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टक एट वन फॉल्ट होगा तो जो भी आपका जहां पे फॉल्ट है उसके ऊपर बार डॉट डी वाई वाई डी डब्ल्यू जो भी हमने निकाला था इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, W क्या है हमारा A इंटू बी, क्या लिख दिया A इंटू बी का बार दे रखा है, बार कर दिया डॉट डी वाई बाई डी डब्ल्यू क्या था सी डी बार, है ना, तो यहाँ पे कर दिया सी डी बार इज इक्वल टू वन। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा A का बार प्लस बी का बार, है ना, ये क्या बन जाएगा सी डॉट डी बार इज इक्वल टू वन। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए बार सी डी बार प्लस बी बार सी डी बार इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम देखो टेस्ट पैटर्न निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या हमारे पास ए बार सी डी बार, और दूसरा क्या है डी बार सी डी बार, है ना, ये तो देखो इसमें क्या मिसिंग है बी, ये जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, इसमें क्या मिसिंग है ए, ये जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है। अब देखो ये मान के चलो ये जीरो भी हो सकता है वन हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है वन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है यानी जीरो, बी जीरो भी हो सकता है, सी क्या है वन, डी क्या है जीरो। अब बी की वैल्यू चेंज होगी दो बार टेस्ट पैटर्न बनेंगे, तो बी की वैल्यू इस समय वन है, ये भी वन रहेगा, ये जीरो रहेगा और ये जीरो रहेगा, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है बी की वैल्यू, एक बार जीरो है एक बार वन है, बाकी सब सेम है। सेम इसमें ये होगा ए की वैल्यू एक बार जीरो रहेगी एक बार वन रहेगी, इसके थ्रू जो है पैटर्न वो बनेगा, बी का जीरो है सी का वन डी का जीरो, ऐसी बी का जीरो वन। तो ये जो हमारे टेस्ट पैटर्न जनरेट हुए हैं ये टेस्ट पैटर्न हमें बताएंगे कि अगर यहाँ पे स्टक एट वन फॉल्ट होगा तो हम इसके थ्रू इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टक एट वन का फॉल्ट। अब हम निकालेंगे जब स्टक एट जीरो फॉल्ट होगा, ठीक है, तो हम निकालेंगे स्टक एट जीरो का फॉल्ट। यहाँ पे अब है स्टक एट जीरो का फॉल्ट, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी है उसको W डॉट डी वाई वाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। अब देखो हमारे पास इसी बार W बार था जब वन के स्टकेट वन था, स्टकेट जीरो के इसमें बार नहीं है, तो W क्या हो जाएगा A डॉट B, ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट आया सी डी बार, तो सी डी बार इज इक्वल टू वन। तो ये फटा सॉल्व नहीं होगा, ये बस इतना ही रहेगा, तो इसका सिर्फ टेस्ट पैटर्न क्या बन जाएगा, ये वन है ये भी वन है ये भी वन है और ये जीरो है, तो ये हमारा टेस्ट पैटर्न बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा टेस्ट पैटर्न जब स्टैकेट जीरो फॉल्ट होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो था हमारा बूलियन डिफरेंस मेथड का था, जब कहीं भी किसी पिन पे स्टैकेट वन फॉल्ट होगी या फिर स्टैकेट जीरो फॉल्ट होगी उसको निकालने का तरीका, ठीक है।